उच्च न्यायालय से भी बहुत आगे उनकी पहुंच है और उनका जो निर्णय क्षमता है वाकई में काबिले तारीफ रहता है। मैं एक दिन उनके पास घर में बैठा तो जैसे बैठा तो उनने थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक से आवाज लगाई, कमल दो कप चाय बना ले। तो मैं देखने लगा मेरा कौन कमल, चारों तरफ आसपास देख लगा मेरा कमल तो कोई नहीं। तो बोले दो कप चाय बना ले कमल। तो मैंने बहुत देर तक साहब इंतजार करता, कमल तो कोई है ही नहीं। उनके भाई छोटे लड़के का नाम जरूर है। थोड़ी देर बाद जब चाय नहीं आई तो उनने फिर आवाज लगाई, कमल चाय बन ले। तो मैंने फिर धीरे से काका जी से पूछी, मैंने ये कमल कौन है? बोले थारी काकी को नाम है कमल, प्यार से कमल को। ये साहब छोटे छोटे हास्य जो है गांव से घर से निकाले जाते हैं। माफी चाहता हूँ, मैं सामने बैठे हुए हैं, बड़ा ही आनंद है। अरे नहीं क्या हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, अपना गांव है बेटा, अगर गलती होगी तो यहीं से पकड़ में आएगी। हम भी ऐसी शुरुआत की थी, सभी ने ऐसी शुरुआत की थी। गलतियां पहली बार मंच पे आ रहा है वो और मैं उसे यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ उसके पहले। नहीं ये बिल्कुल आप गलत ना ले जाए इसको, ठीक है? मैं सिर्फ उस बच्चे, मेरे को नाम आ गया छोटू मान, पप्पू ने, मैं माफी चाहता हूँ, पहले नाम ले छोटू नाम है, ठीक है? तो वो जैसे उस, अब मान लो वो जगह नहीं दे रहा है तो उसकी प्लानिंग में कि आप गांव की महिला की, तो तुरंत उस अपने छोटू को पास के भैया के गोद में दे देगा, लो संभालो जा जा, नहीं तुम्हारे जा रहा है। और मान लो अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, 25 मान लो 2-3 हजार रुपए उसने कपड़े पहन रखे हैं और ऐसी कंडीशन में अगर उस बच्चे ने कोई सांस्कृतिक गतिविधि उसकी गोद में कर दी तो क्या हालत होती है? होगी तो ये कंडीशन हमारे गांव की महिलाओं की होती है। और साहब आप देखते हैं जैसे गांव में बहुत ऐसा माहौल रहता है पतासा बंटवाने का, एक्चुअली इसमें बड़ी प्लानिंग के साथ पत्ते से बंटवाए जाते हैं, है ना? आप ये यकीन, आप सभी के दिमाग में है ये बात, लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ। और ये कविता का मामला ये रहता है कि कविताएं मौलिक होती है तो ज्यादा बेहतर होती है। मौलिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी कवि आज उपस्थित है, यहाँ पर सब मौलिक कवि बुलाए गए हैं। यहाँ पर कुछ मुझसे बोल रहे थे, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि यार हास्य का सिर्फ एक ही नाम है और हास्य क्यों नहीं है? तो मैं बोलता हूँ कि हास्य में आजकल मामला ऐसे चल रहा है कि एक दूसरे के चुटकुले पढ़े जा रहे हैं और ये हर कोई मेरे से बोल देता है कि यार भाई साहब ये उनने ये पढ़ दिया, इनका ये पढ़ दिया, हमारा अभिषेक भाई साहब की बहुत सारी चीजें दूसरे बोल देते हैं, तो ऐसा होता है मामला। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर शुद्ध विशुद्ध कविता वालों इकट्ठी होती है तो उसमें एक महिला चीखती है, है ना? मान लो हमारी मामी जी को ले लो आप, केशव पटेल साहब के, है ना? हाँ उनका एग्जाम्पल सीधा सा, तो एक महिला चीखती है दूसरी झेलती है, बाकी की 17 महिलाएं आपस में टल्ला मार मार के बात करती है क्यों दरी तमारे मालूम की नहीं मालूम उनका पड़ोस में जो उनकी बहू बड़ी खतरनाक और उनके अपना नया छोरा को ओके थप्पड़ मार दे मैं मालूम नहीं, पर मैं तमार से गिरी खाली तुम्हारे भारी सो है कोई सो पोत हो तो, है ना? ऐसा होता है, अगर तालियां बजाओ ऐसा नहीं होता, होता टल्ला मार के बोलती है तुरंत उस दूसरे वाली महिला के पास, उस कोने से उठ करके उस वाले कोने के पास जो महिला बैठी है उनके पास चली जाती है कि दरी तुम्हारे याद क्यों नहीं आती? अरे अपना पीछा में मोहल्ला की बात है, अरे वह नई बहू आई जो उनने उनके सासू माँ के हसो थप्पड़ मारियो पर तमार से कह दी, है ना? तुम्हारा भारी सोने पैसे को होता ये ना वो मतलब हर एक महिला के कान तक पहुंच जाती है। तो ये फैशन चल गया आजकल पतासे का, और पतासे में भी सिस्टम ऐसा है साहब, मैं तो बचपन मेरी मम्मी के दादी के, दादी बहुत दादी थी उनके साथ में जाता था, तो पतासे में पतासा तो मिलता नहीं था, उसमें लेते थे कम से कम 6 या 7 किलो परमल और 50 ग्राम रेवड़ी। रेवड़ी आप ढूंढ ढूंढ के मर जाओ पर रेवड़ी नहीं मिलेगी, खाली परमल ही मिलेगा। तो ये माहौल एक बार जोरदार ताली हमारी महिलाओं के लिए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आइए हमारे बीच में बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही कम उम्र का तालियां चाहता हूँ, है ना? आप बिल्कुल ना शर्माएं, अगर आप ओवर एज भी हो गए तो भी ताली बजाओ, बगैर भूमिका के सीधे सीधे पढ़ो, आवाज खराब है उसकी, थोड़ी दिमाग हो रहा है। मैं नमन करता हूँ और आवाज भी थोड़ी बैठी हुई है तो कोशिश करूंगा अच्छा लगे आपको। वो वजह होगी कुछ तो वजह होगी हमको भुलाने की, कुछ तो वजह होगी हमको भुलाने की, दिल के करीब आके फिर दूर दिल से जाने की।
की कुछ तो वजह हो हमको भुलाने की बेला 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 आंखों के पलकों पे तुमको सजाया था मैंने ख्वाबों की दुनिया में तुमको बसाया था मैंने अरे जी सिंह आंखों के पलकों पे तुमको कुछ तो वजह होगी हमको बुलाने की जोरदार तालियां क्या बात है बहुत नंबर वन क्या बात ये होता है साहब हुनर मतलब जमीन की मिट्टी से भी हुनर निकलता बहुत 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 बढ़िया बढ़िया हमको भुलाने की कुछ तो वजह होगी हमको भुलाने की किसी से झूठी मोहब्बत का वादा न करना जो हमसे किया है वो फिर तुम किसी से न करना किसी से झूठी मोहब्बत का वादा न करना जो हमसे किया है वो फिर तुम किसी से न करना अब बता कि टूट जाए ना उम्मीद प्यार से इस जमाने की कुछ तो वजह कुछ तो वजह होगी हमको भुलाने की क्या बात है वाह 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 जोरदार तालियां चार बंदे पढ़ो चार बंदे पढ़ो नंबर 1 बहुत शानदार कोई दिक्कत नहीं है अपने वो पहले देख सुना आज सब मोहब्बत में कहां हमने कोई उपहार मांगा था मोहब्बत में कहां हमने कोई उपहार मांगा था तुम्हारे हुस्न का हमने कहां दीदार मांगा था कभी कुछ चाह थी तो बस यही के चाह लो तुमको मेरे महबूब मैंने तो तुम्हारा प्यार मतलब इसका तो 100-100 रुपए टिकट देके भी सुनने का मन चाहता है साहब एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं गजब और भी नहीं क्या आपके जैसे हां मिले मेरा अरे चार ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका ग्राम ताली दिला दियो इसलिए अभी सुनना सबको मुझे ऐसे ही लग रहा है अभी रक्षाबंधन साहब हमने मनाया तो इसने राखी नहीं बंधी बाकी सबने बंधी मेरे को डाउट तो तब से हो गया ना मेरे पे इस जहां से मुझे एक खुशी मिल गई इस जहां से मुझे एक खुशी मिल गई तितलियों को नहीं सी कली मिल गई उनके आने